नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रो अरुणा। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए प्रोग्राम राशि चक्र, जिसमें हम बताएंगे आपकी राशियों का हाल, आपके भविष्य का हाल। क्या लॉटरी लगेगी, नौकरी लगेगी, विदेश जाएंगे, वीजा लगेगा या नहीं लगेगा, संतान कब होगी, शादी कब होगी, क्या कोई नया साथी आने वाला है लाइफ में। चलिए शुरू करते हैं नया सफर मेरे साथ, यानी एस्ट्रो अरुणा के साथ नया कार्यक्रम राशि चक्र। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त एस्ट्रो अरुणा आज मिथुन राशि वालों के लिए मार्च का भविष्य पर लेकर आई हूँ। मिथुन राशि जो कि बहुत ही एक सेंसिटिव राशि होती है, इन्हें हंसना खेलना बहुत पसंद होता है, खेलों से संबंधित कार्य करने इन्हें बहुत पसंद होते हैं, दोस्त बनाना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। मिथुन राशि जो कि बुध की राशि है, इन दिनों स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। एलर्जी से रिलेटेड परेशानियां, कुछ फेफड़ों से संबंधित रोग, कुछ सांस की दिक्कतें उन्हें आ सकती हैं। विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, अपनी पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान दें। उन्हें मैं एक ऐसा उपाय बताना चाहती हूँ जिससे उन्हें एग्जाम लिखने में बहुत ही आसानी होगी। अपने हाथ पर एक हरे रंग का धागा बांधें, अपने उल्टे हाथ पर हरे रंग का किसी भी प्रकार का सूती धागा बांधें, इससे इन्हें बहुत ही सुविधा होगी एग्जाम लिखने में। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं या चार लड्डू का भोग लगाएं, इनकी मानसिक स्थिति अच्छी होगी, इनकी याददाश्त बहुत बढ़िया होगी। मिथुन राशि वालों के लिए इन दिनों नौकरी बदलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं, अपने बॉस से दुखी हैं, तो आप एक बहुत ही बढ़िया उपाय करें। बुधवार को एक मुट्ठी साबुत मूंग की दाल लेकर भिगोकर उन्हें चिड़ियों को डालें, इससे आपके बॉस खुश होंगे, आपके पास अच्छे अच्छे प्रपोजल्स आएंगे। आप नौकरी बदलना चाहते हैं, विदेश में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपकी ये मनोकामना जरूर पूरी होगी। मिथुन राशि वाले जो कि बहुत ही चंचल स्वभाव के होते हैं, उनके लिए मैं एक और उपाय बताना चाहूंगी। होली आ रही है, हरा रंग बहुत प्रिय होता है इन्हें, हरे रंग से होली खेले, हरे रंग का गुलाल लगाएं, अपने सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को हरे रंग के गुलाल से टीका करें, अपने बड़ों से आशीर्वाद लें। बहुत ही अच्छा सुलझा हुआ उपाय, बहुत ही सिंपल उपाय मिथुन राशि वालों के लिए है। क्योंकि हेल्थ की दृष्टि से ये महीना उतना अच्छा नहीं है, तो अपने फेस को कवर करके रखें, फेफड़ों से संबंधित कोई परेशानियां इन्हें आ सकती हैं, या गुलाल की वजह से, धूल मिट्टी की वजह से इन्हें कुछ एलर्जीज की परेशानियां हो सकती हैं, तो अपने आप को संभाल कर रखें। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे करियर के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं प्रभु गणेश से आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। गणेश आपके इष्ट देव हैं, जितना आप उनकी पूजा करेंगे, जितनी उनकी प्रार्थना करेंगे, ओम गम गणपते नमः का मंत्र का जाप करेंगे, आपके लिए उतना ही आनंददायक होगा। रिलेशनशिप के लिए ये महीना बहुत ही उत्तम जाने वाला है। जीवन साथी का चयन करते वक्त बहुत ही सावधानी रखें, पूरी इंक्वायरी के साथ अपने जीवन साथी का चयन करें। ट्रैवल के लिए मिथुन राशि वालों को घूमना फिरना बहुत पसंद होता है। अगर विदेश जाने का, वीजा लगाने का कोई आवेदन देना चाहते हैं, तो ये महीना उत्तम रहेगा उनके लिए। मिथुन राशि वालों के लिए होली का मैं एक बहुत ही सुंदर उपाय और बताना चाहूंगी कि जब भी होलिका पूजन के लिए आप जाएं, हरे रंग की इलायचियां साथ लेकर जाएं, गोबर के कंडों की माला बनाकर लेकर जाएं, और उसमें उसके साथ हरी इलायचियां और दो लौंग होलिका दहन के लिए डालें, आपके लिए हर तरीके से सौभाग्य की प्राप्ति होगी। धन्यवाद।